स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल आरएस फाइनल डेस्टिनेशन में। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हमारी करंट अफेयर्स की सीरीज़ चल रही है और उसमें हम कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी कवर करवा चुके हैं और आज हम आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं एक नए टॉपिक के साथ और वो उससे भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। और हमने 2018 और 2019 उन दोनों में हुई सभी मिलिट्री एक्सरसाइजेज़ को इसमें कवर किया है और मिलिट्री एक्सरसाइजेज एग्ज़ाम्स में बहुत पूछी जाती हैं, तो प्लीज़ इसको स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो एक्सरसाइज है वो है सिम्बेक्स। ये देखिए, सबसे पहले जो हमें याद रखना है वो ये याद रखना है कि हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं, जो मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं, उसमें क्वेश्चन किस तरह से आता है। तो क्वेश्चंस जो आते हैं वो मेनली ये पूछा जाता है कि वो एक्सरसाइज किसके किसके बीच हुई है, मतलब कौन कौन सी कंट्री हैं, कौन कौन से देश हैं जिन्होंने उस एक्सरसाइज को परफॉर्म किया है। दूसरा, उसमें अगर वो एक्सरसाइज इंडिया के अंदर परफॉर्म हुई है, यानी इंडिया के अंदर की गई है, तो उसकी जगह पूछी जाती है कि यानी वो किस प्लेस पर हुई है। तो ये दो ही चीज़ें हमें पूरी एक्सरसाइजेज में याद रखनी है। बहुत ईजी है याद रखना, हम उसको उसके नेम से ही याद रख सकते हैं। तो देखते हैं, सबसे पहली जो एक्सरसाइज है वो है सिम्बेक्स। सिम्बेक्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले आ रहा है एस, एस फॉर सिंगापुर, आई फॉर इंडिया, यानी कि ये जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच हुई है, वो हुई है सिंगापुर और इंडिया के बीच, यानी कि भारत और सिंगापुर के बीच हुई है। कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? हुई है पोर्ट ब्लेयर में, जो कि है अंडमान और निकोबार में। और चूंकि ये भारत का क्या है, पार्ट है, अंडमान निकोबार यूनियन टेरिटरी है भारत की, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है इसकी प्लेस को, लोकेशन को याद रखना। तो क्या है लोकेशन? पोर्ट ब्लेयर। कौन सी है? सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया के बीच। उसके बाद जो दूसरी एक्सरसाइज आती है वो है इंदिरा। इंदिरा जो एक्सरसाइज है वो हम, जैसे अगर आप इसको लिखेंगे तो आई एन डी आर ए, ठीक है, ऐसे आप लिखोगे, तो इसमें आई एन डी फॉर इंडिया एंड आर ए आर फॉर रशिया। तो ये जो एक्सरसाइज है वो इंडिया और रशिया, यानी कि भारत और रूस के बीच होती है। और ये एक्सरसाइज जो हुई थी वो हुई थी कहाँ पर? झांसी में। तो इसको भी आप याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि ये इंडिया के अंदर यूपी में हुई थी, उत्तर प्रदेश के अंदर हुई थी। कहाँ पर हुई थी? झांसी में। इसके अलावा आपसे रूस के साथ होने वाली कुछ और एक्सरसाइजेस के बारे में भी पूछ सकता है, हो सकता है आपको इंदिरा ना दे। तो रूस के साथ भारत एक और एक्सरसाइज करता है, वो एक्सरसाइज जो है वो है एवियेंद्र। क्या है वो एक्सरसाइज? वो है एवियेंद्र, ए वी आई ए एन डी आर ए, एवियेंद्र। ये जो एक्सरसाइज है ये भी जो भारत है वो किसके साथ करता है? इसमें भी देखिए इंद्र आ रहा है, ठीक है, क्या आ रहा है? इंद्र आ रहा है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि इंद्रा जो है वो भी रूस के साथ है, एवियेंद्र भी किसके साथ होगी? रूस के साथ होगी। तो एवियेंद्र जो एक्सरसाइज है वो भी इंडिया किसके साथ करता है? रूस के साथ। अब हम बात करते हैं वज्र प्रहार। वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो इंडिया किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। वज्र कैसा था? जो वज्र हमने देखा था बहुत ज़्यादा मजबूत होता था, अस्थियों से बना था, महर्षि दधीची की, तो बहुत ज़्यादा मजबूत था। तो वज्र के समान कौन सा देश है? कौन सा देश है? वो है अमेरिका, जो हमेशा वज्र के समान खड़ा रहता है। तो वज्र प्रहार जो एक्सरसाइज है वो भारत किसके साथ करता है? वो करता है अमेरिका के साथ। कहाँ पर हुई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो वज्र प्रहार जो हुई थी, बी फॉर वज्र आ रहा है और बी फॉर बीकानेर। तो ये जो एक्सरसाइज हुई थी वो कहाँ हुई थी? बीकानेर में हुई थी। इसके अलावा और भी एक्सरसाइजेज हैं जो भारत अमेरिका के साथ करता है, कौन कौन सी हैं देख लेते हैं हम। वज्र प्रहार के अतिरिक्त जो भारत अमेरिका के साथ एक्सरसाइज करता है वो है, एक तो है युद्धाभ्यास, यानी कि एक तो इसी नाम से करता है, कौन सी है? युद्धाभ्यास। एक तो युद्धाभ्यास के ही नाम से वो एक्सरसाइज करता है। किस किस के बीच होती है? ये होती है भारत और अमेरिका के बीच। एक होती है कोप इंडिया, कोप इंडिया। तो तीन एक्सरसाइजेज हैं, या तीन युद्धाभ्यास हैं, या तीन मिलिट्री एक्सरसाइजेज हैं जो भारत अमेरिका के साथ करता है। कौन कौन सी हैं? पहली हमने देखी वज्र प्रहार, वज्र की तरह कौन मजबूत है? अमेरिका, वज्र प्रहार। दूसरा है युद्धाभ्यास नाम से, और तीसरी कौन सी है? कोप इंडिया। ये तीनों ही एक्सरसाइज भारत अमेरिका के साथ करता है। चौथी हम बात करते हैं वो है अलनघा। अलनघा जो एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है किसके साथ? ओमान के साथ। और चूंकि ओमान क्या है, अलनघा नाम से भी लग रहा है क्या है, ये एक मुस्लिम नेम है, और जो कंट्री है जिसके साथ जो इंडिया है वो ये एक्सरसाइज करता है वो भी क्या है? मुस्लिम कंट्री है। वो कौन सी है? ओमान। और चूंकि अलनघा में क्या आ रहा है? आ रहा है, और ओमान में भी क्या आ रहा है? आ रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि इसे अलनघा किसके साथ है? ओमान के साथ।
इसके अलावा हम बात करते हैं संप्रीति एक्सरसाइज। संप्रीति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया करता है बांग्लादेश के साथ। संप्रीति में आप ये ऐसे याद रख सकते हैं कि संप्रीति में क्या आ रहा है, ऊपर की साइड चंद्र बिंदु, मतलब जो बिंदु है, जो बिंदी है, छोटी सी बिंदी, वो आ रही है संप्रीति। और बांग्लादेश में भी क्या आता है, ऊपर ये अंक की बिंदी आती है बांग्लादेश में। तो संप्रीति किसके साथ करता है, भारत बांग्लादेश के साथ। इसके अलावा एक है दूसरी एक्सरसाइज, वो है बोल्ड कुरुक्षेत्र। बोल्ड कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है सिंगापुर के साथ। आप इसको याद रख सकते हैं यहाँ से। देखिए कहाँ पर हुई थी ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो बोल्ड कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। आप ऐसे याद रख सकते हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कौन थी, बहुत ज़्यादा बोल्ड थी, अंग्रेज़ों से उन्होंने सामना किया बहुत बहादुरी के साथ। तो बोल्ड कुरुक्षेत्र जो एक्सरसाइज है वो कहाँ पर हुई है, वो हुई है झांसी में। और चूंकि बोल्ड कुरुक्षेत्र एक्सरसाइज है किसके बीच, इंडिया और सिंगापुर। अब देखिए बोल्ड में अगर आप ज़्यादातर एक्सरसाइज को आप याद रखें, बहुत ज़्यादा ट्रिक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप हर चीज़ में अगर ट्रिक्स यूज़ करेंगे तो उनको याद रखना बहुत कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाता है। तो कोशिश ये करिए कि उसी के नाम से ट्रिक निकल जाए। तो बोल्ड अगर हम उसको उच्चारित करें या फिर उसको प्रोनंसिएट करें तो बोल्ड का क्या होएगा, बोल्ड इस टाइप से आ रहा है, ठीक है। तो सिंगापुर को भी आप करेंगे सिंगापुर, बोल्ड सिंगापुर, ठीक है। तो ऐसे करके आप याद रख सकते हैं। बोल्ड कुरुक्षेत्र किसके साथ हुई है, सिंगापुर के साथ। ऑस इंडेक्स ये अभी 2019 में ही हुई है ये एक्सरसाइज। और ऑस इंडेक्स जो एक्सरसाइज है वो किस किस के बीच हुई है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, नाम से पता लग रहा है। उसके नाम को अगर आप ब्रेक करोगे तो ऑस और इंडेक्स, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुई है। इसके अलावा एक जो एक्सरसाइज है वो है धर्मा गार्जियन। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज जो है वो हुई है इंडिया और जापान के बीच। तो ये भी आप याद रख सकते हो, याद रख सकते हो कि गार्जियन, आप बहुत ज़्यादा इसमें ट्रिक बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल कोई भी वर्ड पकड़ लो बीच में से, जैसे गार्जियन में से हमने जा पकड़ लिया, ठीक है, कि हमें जब भी धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज का नाम आए तो आपको जा पर ही फोकस जाए, और जा पर फोकस जाकर आपका क्या निकल जाएगा, जापान। तो धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज किसके बीच होती है, भारत और जापान के बीच। याद रखने के और भी बहुत सारे तरीके हैं, हो सकता है आप किसी को कोई तरीका अच्छा लगता हो, किसी को कोई तरीका, लेकिन आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप वो तरीका फॉलो करें। मैं केवल एक आइडिया दे रही हूँ। धर्मा गार्जियन एक्सरसाइज होती है भारत और जापान के बीच। इसके अलावा इंडिया और जापान के बीच एक और एक्सरसाइज होती है, जैसे हमने अभी देखी इंडिया और रूस के बीच दो एक्सरसाइज देखी, कौन कौन सी, इंदिरा और एवियंद्र, ये दोनों इंडिया और रूस के बीच होती हैं। जो हमने इंडिया और अमेरिका के बीच तीन एक्सरसाइजेज देखी, कौन कौन सी, एक तो युद्धाभ्यास नाम से, एक कोप इंडिया नाम से और एक वज्र प्रहार नाम से। तीन एक्सरसाइज किसके साथ करी, भारत ने अमेरिका के साथ। अब हम देखते हैं भारत जापान के साथ कितनी एक्सरसाइज करता है। तो भारत जापान के साथ जो करता है, एक तो करता है धर्मा गार्जियन और एक करता है शिन्यू मैत्री। तो ये नाम आप याद रखिएगा कि एक तो करता है धर्मा गार्जियन और एक करता है शिन्यू मैत्री। ये एक्सरसाइज भी किसके साथ हो रही है, ये हो रही है जापान के साथ। शिन्यू नाम भी ऐसा लग रहा है जापानी सा, है ना, तो शिन्यू मैत्री, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा हम एक और एक्सरसाइज जो कि है समुद्र शक्ति। देखिए तीन एक्सरसाइज जो है उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, एक है समुद्र शक्ति, एक है मित्र शक्ति और एक है मैत्री। इन तीनों में ही जो नेम है इनके वो भी कन्फ्यूजिंग और जो ऑप्शंस देंगे वो भी तीनों के एक साथ मिक्सअप करके दे देंगे। जैसे कि अगर आप समुद्र शक्ति की बात करते हैं तो समुद्र शक्ति आप इसको याद ऐसे रख सकते हैं, जैसे समुद्र में सबसे शक्तिशाली तूफान आया था, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सुनामी। तो वो सुनामी कहाँ आई थी, वो इंडोनेशिया में आई थी। तो समुद्र शक्ति, जो समुद्र में शक्तिशाली तूफान आया था सुनामी, वो शक्तिशाली तूफान कहाँ आया था, इंडोनेशिया में। तो समुद्र शक्ति किसके साथ है, इंडोनेशिया के साथ, पहला याद हो गया। दूसरा है मित्र शक्ति। मित्र शक्ति जो एक्सरसाइज है वो इंडिया करता है श्रीलंका के साथ। इसको तीसरा भी देख लेते हैं, ये है जैसे मैत्री, ठीक है, ये जो तीसरी है वो है मैत्री। तो मैत्री किसके साथ करता है, इंडिया करता है थाईलैंड के साथ। जैसे मैत्री है, अगर आप इसको प्रोनंसिएट करोगे मैत्री को तो ई करके प्रोनंसिएशन इसका हो रहा है कि मैत्री, है ना, थाईलैंड, ई आ रहा है थाई में भी, थाई, है ना, मैत्री थाई। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो मैत्री किसके साथ है, भारत और थाईलैंड के साथ। ऐसी आपका जैसे मित्र शक्ति है, मित्र शक्ति में आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे मित्र शक्ति किसके साथ है, श्रीलंका, शक्ति शाह आ रहा है, शक्ति, और श्रीलंका में भी क्या आ रहा है, शाह आ रहा है ना। तो आप ऐसे मतलब
हम लोग क्या हम उसी में से मतलब जो भी उस एक्सरसाइज का नाम है हम उसी में से उसी के वर्ड को उठा कर बस हमारा काम बस ये हो जाएगा उस वर्ड पर फोकस करना। जैसे धर्मा गार्जियन हमारा जा पर फोकस चला गया जापान, मैत्री ई पर फोकस चला गया थाईलैंड, ठीक है, मित्र शक्ति श पर फोकस चला गया श्रीलंका। तो इस तरह से तीनों याद हो गई। उसके बाद जो हमारी है एक एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, वो है हैंड इन हैंड। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो इंडिया चाइना के साथ करता है, और इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जैसे बहुत मतलब पहले के जब पंचशील सिद्धांत लागू हुए थे तो एक नारा दिया गया था कि हिंदी चीनी भाई भाई, है ना, तो हिंदी चीनी भाई भाई के भाई हाथ हाथ से हाथ मिलाकर चलेंगे। तो हैंड इन हैंड एक्सरसाइज जो है वो चाइना के साथ है इंडिया की। तो ये आपको याद हो गई। एक और एक्सरसाइज है वो है अफ्रीकन लॉयन। कौन सी है? अफ्रीकन लॉयन। ये इंडिया इसका भाग नहीं है। ये जो एक्सरसाइज है वो होती है मोरक्को और अमेरिका के बीच। किसकी है? मोरक्को और अमेरिका। इसमें अफ्रीकन लॉयन भले ही नाम है अफ्रीका का, लेकिन इससे कोई मतलब है, मोरक्को जो कंट्री है वो कहाँ की है? वो अफ्रीका की ही है, ठीक है। तो अफ्रीकन लॉयन इसलिए इसको बोला, किस किस के बीच है? मोरक्को और अमेरिका। और ये एक्चुअली ये हुई मोरक्को में ही थी, इसलिए भी ये भी आप थोड़ा सा आप याद रख सकते हैं। लेकिन ये चूंकि इसका इंडिया पार्ट नहीं है तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब जैसे एक एक्सरसाइज है वो है मालाबार। मालाबार एक्सरसाइज जो है वो तीन कंट्रीज़ के बीच होती है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट नेवल एक्सरसाइज है। इसको याद रखिएगा क्योंकि लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रही थी, और इसमें तीन कंट्रीज़ पार्ट हैं। तीनों ही पावरफुल कंट्रीज़ हैं, एक है इंडिया, एक है जापान और एक है आपका अमेरिका। तो इन तीन के बीच होती है कौन सी एक्सरसाइज? मालाबार एक्सरसाइज, भारत, अमेरिका और जापान। इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है वो है कोंकण एक्सरसाइज। हो सकता है आपको नीचे ना दिख रहा हो, तो कोंकण एक्सरसाइज जो है वो किस किस के बीच होती है? वो होती है भारत और ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम के बीच, यूके के बीच, ठीक है। तो ये याद रखिएगा किस किस के बीच होती है जो कोंकण एक्सरसाइज है, वो भारत और यूनाइटेड किंगडम के बीच होती है। तो ये इधर की सारी एक्सरसाइजेस हो गई हैं। अब हम इधर देखते हैं, हम कुछ और इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेस जो बची हैं। तो सबसे पहले जैसे इधर आ रही है, जैसे उधर क्या था? सिम्बेक्स, सिंगापुर और इंडिया। इधर आ रही है आपकी कौन सी? इम्बेक्स 2018-19 में हुई थी। तो ये किस किस के बीच हुई है? आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार। किस किस के बीच हुई है? आई फॉर इंडिया, एम फॉर म्यांमार। तो इंडिया और म्यांमार के बीच कौन सी एक्सरसाइज हुई है? ये हुई है आपकी इम्बेक्स। कहाँ पर हुई है ये एक्सरसाइज? हुई है हरियाणा में। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा क्योंकि ये इंडिया के अंदर हुई है। इसके अलावा एक एक्सरसाइज है वो है आपकी बुल स्ट्राइक। बुल स्ट्राइक एक्सरसाइज जो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तीनों ही जो सेनाएं हैं हमारे देश की, भारत की, जो कि है आपकी इंडियन एयर फोर्स, इंडियन नेवी और जो आपका इंडियन आर्मी है, इन तीनों ने ही, यानी कि वायुसेना, जल सेना और थल सेना, इन तीनों ने ही मिलकर एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया जिसको हमने बुल स्ट्राइक नाम दिया। और ये आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस आइलैंड पर हुई थी? तो ये जो आइलैंड था वो था टेरेसा आइलैंड। और टेरेसा आइलैंड जो है वो पार्ट है अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है, जो पूरा अंडमान, क्योंकि अंडमान निकोबार में बहुत सारे द्वीप हैं अलग अलग छोटे छोटे, तो अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसका एक आइलैंड है। कौन सा? छोटा सा, टेरेसा आइलैंड। तो टेरेसा आइलैंड पर कौन सी स्ट्राइक हुई है? बुल स्ट्राइक एक सैन्य अभ्यास है, लेकिन इसमें कोई अदर देश शामिल नहीं है। किसकी एक्सरसाइज है? जो तीनों फोर्सेज हैं हमारे इंडिया की, वो तीनों ने ही इसमें पार्ट लिया था। इसके अलावा एक है आपका आफ इंडेक्स। आफ इंडेक्स से पता लग रहा है AF मतलब अफ्रीका एंड IND मतलब इंडिया। तो ये किस किस के बीच है? अफ्रीका और इंडिया के बीच, सीधे नाम से निकल गया। ये कहाँ हुई थी ये भी याद रखिएगा, ये हुई थी पुणे में। तो हमारी जो एक इम्बेक्स एक्सरसाइज है, यानी कि जो इंडिया और म्यांमार के बीच हुई थी, वो हुई है आपकी हरियाणा में। और जो आफ इंडेक्स है जो भारत और अफ्रीका के बीच हुई है, वो हुई है आपकी पुणे में। इसके अलावा एक है आपका वरुण 19.1। तो वरुण वाली जो जितनी भी एक्सरसाइज हैं वो आपने ज़्यादातर सुना होगा कि वरुण जितना भी है वो नेम कनेक्टेड रहता है फ्रांस के साथ। तो भारत और फ्रांस के बीच जो एक्सरसाइज हुई है गोवा तट पर, ये हुई है इंडियन नेवी की एक्सरसाइज है, नौसेना अभ्यास है ये। तो ये किसके किसके बीच हुआ है? भारत और फ्रांस के बीच। मेनली आपसे यही पूछा जाएगा कि किन किन कंट्रीज़ के बीच हुआ है।
ठीक है, जैसे आपको ये एक याद रखना है, जैसे ऑस इंडेक्स था जो ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच हुआ था, ये एक्सरसाइज का प्लेस आप याद रखिएगा वो है विशाखापत्तनम, यानी कि ये जो एक्सरसाइज थी वो कहाँ हुई है, वो हुई है विशाखापत्तनम में। तो एक ये प्लेस याद रखिएगा, बोल्ड कुरुक्षेत्र, बोल्ड कौन थी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, तो झांसी में हुआ है, ठीक है, ये बोल्ड कुरुक्षेत्र का प्लेस झांसी, इंदिरा का प्लेस झांसी है, सिम्बेक्स का प्लेस कौन सा है, पोर्ट ब्लेयर, ऑस इंडेक्स का विशाखापत्तनम, इसके अलावा इम्बेक्स का हमने देखा, इम्बेक्स का कौन सा है, हरियाणा, और ऑफ इंडेक्स का कौन सा है, पुणे, ठीक है। वरुण जो 19.1 है किस किस के बीच है, भारत और फ्रांस के बीच। अब हम देखते हैं एक और एक्सरसाइज, ये है नोमैडिक एलिफेंट, इसको हम बोलते हैं नोमैडिक एलिफेंट, ये एक्सरसाइज 2018 की है, तो हमने इसमें 18 की भी कवर की है। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज जो है, नाम भी अलग सा है और अलग सी ही कंट्री है, वो है भारत और मंगोलिया, यानी भारत के साथ यहाँ पर जो पार्टिसिपेट किया वो किया मंगोलिया ने, तो भारत और मंगोलिया है। और आप इसको थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे एलिफेंट होते हैं कैसे होते हैं, गोल मटोल से, मोटे मोटे से होते हैं, तो मंगोलिया, मंगोल भी क्या है, गोल गोल से है ना, तो ऐसे आप याद रख सकते हो कि नोमैडिक एलिफेंट भारत प्लस मंगोलिया के बीच। इसके अलावा खंजर फाइव जो है वो है भारत और किर्गिस्तान। देखिए खंजर लग भी रहा है, नाम से ही आपको उसका आभास हो जाएगा कंट्री का, जैसे अल नागा हमने बताई थी, अल नागा से ओमान पता लग गया, ठीक है, खंजर से आपको पता लग गया कि भारत और किर्गिस्तान के बीच है, ठीक है। अच्छा, इसमें आप दो कंट्रीज़ में कन्फ्यूजन होता है, एक होता है किर्गिस्तान, एक है कजाकिस्तान, दोनों अलग अलग कंट्रीज़ हैं, लेकिन जो खंजर हुई थी, खंजर फाइव एक्सरसाइज, वो भारत और किर्गिस्तान के बीच हुई थी। जैसे आप ऐसे याद रख लो, जैसे खंजर किसी को मारा और वो गिर गया, रेगिस्तान में जाके गिर पड़ा, तो किर्गिस्तान, ठीक है, कि वो गिर का मतलब आ गया गिर पड़ा, ठीक है, खंजर मारा तो वो गिर पड़ा, तो किर्गिस्तान हो गया। काजिंड 2018 जो है, काजिंड जैसे इसमें नाम से ही निकल रहा है, काज मतलब कजाकिस्तान और आईएनडी मतलब इंडिया, तो इसमें काजिंड में आपको पता लग गया, इसमें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, ये आप ब्रेक करोगे, काज प्लस इंड, यानी काजिंड जो एक्सरसाइज है वो होती है कजाकिस्तान और इंडिया के बीच, जबकि जो खंजर है उसमें क्या है, किर्गिस्तान और इंडिया। एक एक्सरसाइज है वो है आपकी हरिमो शक्ति एक्सरसाइज जो होती है वो होती है भारत और मलेशिया के बीच, किसके, भारत और मलेशिया, ये याद रखिएगा। तो और अभी हमने मैत्री देखा, मैत्री यानी थाई, ई आ रहा है, तो थाईलैंड, मैत्री किसके साथ होती है, थाईलैंड, समुद्र शक्ति, इंडोनेशिया की शक्तिशाली तूफान वहाँ आया था, और जो हमने एक देखा इधर मित्र शक्ति हमने शाह पर हमने कॉन्सनट्रेट कर लिया था कि जैसे मित्र शक्ति है, शाह मतलब श्रीलंका होगा, ठीक है। तो सूर्य किरण एक एक्सरसाइज है, सूर्य किरण जो है वो हम आपकी आप ऐसे याद रख सकते हो, जैसे सूर्य जो निकलता तो नहीं है, लेकिन आप जब हम छोटे थे बचपन में वो बनाते थे मैप इंडिया का, तो हम क्या करते थे, नेपाल जो है, नेपाल के पास से ऐसे करके सूरज निकाल दिया है ना, नेपाल ऊपर की साइड है ना कंट्री, वहाँ पर हिमालय भी है, तो वहाँ से सूर्य, तो वहाँ पर जो एक्सरसाइज होगी वो कौन सी होगी, वो होगी सूर्य किरण भारत और नेपाल के बीच। लेकिन ये हुई कहाँ पर थी, ये इंडिया के अंदर जो हुई थी वो हुई थी उत्तराखंड में, सूर्य किरण एक्सरसाइज कहाँ हुई थी, उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा। तो कुछ कुछ के प्लेसेस हैं जो याद रखने हैं, एक है विम्बेक्स नाम से निकल रहा है, किस किस में, वियतनाम, वी फॉर वियतनाम, आई फॉर इंडिया, तो किस किस के बीच हुई थी विम्बेक्स, जैसे सिम्बेक्स है सिंगापुर इंडिया, और इम्बेक्स से इंडिया और म्यांमार, विम्बेक्स से वियतनाम और इंडिया, तो विम्बेक्स एक्सरसाइज हुई थी भारत और वियतनाम के बीच, कहाँ पर, जबलपुर में। एक है आपका लैमिटी एक्सरसाइज, इसको आप ऐसे करके लिखते हैं लैमिटी या लामिती एक्सरसाइज, ठीक है, लामिती एक्सरसाइज, ये जो एक्सरसाइज है ये भारत ने सेशल्स के साथ किया, आप भारत ने किसके साथ किया, सेशल्स के साथ, तो थोड़ा सा अलग सा नाम है, सेशल्स भी बहुत ज़्यादा कोई वो तो है नहीं, मतलब अलग सा ही नाम है जो रेगुलर वे में हम यूज़ नहीं करते, तो आप लैमिती एक्सरसाइज किसके साथ हुई है, इंडिया ने करी है सेशल्स के साथ, ठीक है। तो ये कुछ एक्सरसाइजेस थी जो हमें याद रखनी है, और इनमें से बस यही पूछा जाता है कि कौन सी एक्सरसाइज किसके साथ हुई ज़्यादातर, और ये पूछा जा सकता है कि ये जैसे आपका ये था बुल स्ट्राइक थी, बुल स्ट्राइक में ये पूछ सकते हैं कि
किस आइलैंड पर करी है तीनों सेनाओं ने, जो युद्ध अभ्यास किया है या जो मिलिट्री एक्सरसाइज किया वो किस आइलैंड पर है, वो है टेरेस आइलैंड, किसका पार्ट है ये पूछ सकते हैं, किसका, अंडमान निकोबार का। इसके अलावा ऑस इंडेक्स कहाँ पर हुई है, इसका इंपॉर्टेंट है प्लेस ये याद रखिएगा, पूछा गया है ऑस इंडेक्स कहाँ पर हुई है, तो ऑस इंडेक्स हुई है विशाखापत्तनम में। सिम्बेक्स जो सिंगापुर और इंडिया के बीच थी वो भी हमने देखी, वो कहाँ हुई थी, सिंगापुर पोर्ट ब्लेयर में। इसके अलावा हमने देखा इंदिरा हमने देखी कहाँ पर हुई थी, झांसी में, इंदिरा भी झांसी में हुई थी और बोल्ड वाली भी, बोल्ड कुरुक्षेत्र जो है वो भी झांसी में हुई थी। इसके अलावा एक जो एक्सरसाइज थी वो हरियाणा में हुई थी, कौन सी, इम्बैक्स, ठीक है, इंडिया और म्यांमार के बीच, और एक पुणे में हुई थी वो है आफ इंडेक्स, ये याद रखिएगा। एक सूर्य किरण जो एक्सरसाइज है जो कि किसके बीच, मैंने बताया था नेपाल और इंडिया के बीच हुई थी, वो किसके, वो कहाँ पर हुई थी, वो हुई थी उत्तराखंड में, तो ये थोड़ा याद रखिएगा। और लैमिती एक्सरसाइज किसके, इंडिया और सेशल्स के बीच। तो ये कुछ मिलिट्री एक्सरसाइज, नेवी एक्सरसाइज और आर्मी एक्सरसाइजेस थी जो कि 2018 और 2019 में हुई हैं, और पूरी संभावना है, पूरी पॉसिबिलिटी है कि इनमें से ही एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए इन्हीं एक्सरसाइज में से, क्योंकि सारी एक्सरसाइजेस कवर करवाई गई हैं। आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी, यदि आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।